On the way back is better. Yeah.
तब्बू जी यहाँ पे थोड़ा यार बड़े बाइट्स करवा रहे हो आप लोग I don't know, this is the first time I'm attending it. So I'm sure I can expect a lot of glamour and fashion and beauty for sure. What is the definition of beauty? It's many things actually, but I think mostly it's how you feel from the inside. And of course, aesthetics and personality. मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ हाँ क्योंकि मुझे ये आपसे सुनना था एक दिन इसलिए मैंने किया सर क्या आप बड़े सीरियस हो जाते हैं हाँ चेंज ऐसा करने की कोशिश करने के लिए नहीं की लेकिन होता गया अपने आप आई थिंक किसी न किसी तरह थैंक यू यही चेंज आ गया देखो सब डरने लगे हैं मुझसे मेरे हाथ से कोई मिठाई नहीं खाता ना मेरे साथ लिफ्ट में कोई ट्रैवल करता है आजकल नॉट एट ऑल थैंक यू चले हेलो
Hi. Well, super glam, super stylish. Yeah, it's a beauty award. So, hi, how are you? Raaz nahi hai, aapke saamne sab khula khula beauty hai. So, yeah, there's no Raaz. I think just be happy and like what you're wearing and yeah. Thank you. Bye. हाँ जी, खूबसूरती अंदर होनी चाहिए, बाहर से तो खूबसूरत होना आसान है, अंदर से मेहनत लगती है, तो अंदर से खूबसूरत होंगे तो बाहर भी दिख ही जाते हो खूबसूरत, सो अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है। मैं स्कूल और कॉलेज के दिनों में आई थिंक अक्षय कुमार सर का बहुत बड़ा फैन था, उनके स्टाइल स्टेटमेंट का, सब कुछ उनका स्वैग ही अलग था, वो आज भी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश है, मैं लकी फील करता हूँ कि उरी जैसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। फिल्में अच्छी होती हैं तो वो एक्टर को स्टार बना देती हैं, इसका अदर वे अराउंड नहीं होता, तो अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला, मुझे उस बात की बहुत खुशी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है एज अ टीम, एक वो बेंचमार्क सेट, मतलब जब आप क्रॉस करते हैं आपको बहुत खुशी होती है, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से ऑडियंस ने उस इमोशन के साथ रेजोनेट किया है, चाहे वो ट्रिब्यूट टू द आर्मी हो, पेट्रियटिज्म हो, उसके साथ जो रेजोनेट किया है, जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को रिएक्ट किया है इमोशनली, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू बी यूनाइटेड, दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट द फैमिलीज ऑफ द आर्मी मैन दैट वी हैव लॉस्ट, एंड उनके इमोशन से ऊपर कोई और इमोशन नहीं होना चाहिए हमारे लिए। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके, थैंक यू, थैंक यू। Hello. Congratulations and good evening to you for this. Good evening. Thank you. पांचवा साल है ये अवार्ड्स का। जी। ब्यूटी और स्टाइल में से किसे चुनेंगे आप? I have beauty style, I'll choose. Yeah. क्या मायने हैं? क्या मायने हैं? I think both of them. I think. Beauty and style. So for me, I think beauty is something कि आप how आप अपने आप को कैसे present करते हैं, आप अपने आप को कितने अपने आप से अपने आप में कितना confident हैं, and how unapologetic you are about who you are as a person. I think जो अपने बारे में अपने आप को लेकर confident होते हैं, I find them very beautiful and very attractive. And style is expression. I think आपकी जो personality है, आप उसे जिस तरह से express करते हो, आपकी style में reflect करता है. Do you feel now
Yes, I think you know, 1 year has it's been much of a responsibility, but now I'm also quite relieved. It's bittersweet. I miss my crown, but at the same time, I just see so much more out there for me. And what about your next Bollywood film? That you may be signing something. You've been hearing that since a very long time. Yeah. See, I'll be very honest. मेरे लिए सब बहुत नया है. मैं कभी like मुंबई के आसपास भी नहीं रही हूँ. Nor did I know anyone. So एक साल इतना बिजी था that now I've gotten the time to actually understand. And मैं कुछ you know ऐसे ही नहीं जाना चाहती just because मुझे opportunity मिल रही है. अगर मिल रही है तो I want to do a good job. तो अभी मैं समझना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ. And when there'll be anything, I think everyone will get to know. Aishwarya Rai, definitely. I think Sharmila Tagore, ma'am. Absolutely. I remember the first movie that I saw of ma'am, and I think she has been, she's a legend, and she still lives within all of us. She has set a benchmark for all of us women, and what she has achieved has actually made everything so much more worthwhile, so much worth achieving within the industry. And she is beautiful. Like I said, beauty mere liye hai kitna aap apne aap mein confident hai, aap apne aap ko kaise apne niche mein establish karte hain, and wo ek aise example rahi hain jinhone apne aap ko us samay establish kara hai, where you know there weren't many women superstars. जी जी बिल, जैसे मैंने अभी कहा कि उन्होंने शी ओपनड डोर्स फॉर वुमेन. शी इज़ एन आइकॉन एंड शी ऑलवेज विल बी. थैंक यू. Excuse me.
done. Thank you. नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी एक आपके अंदर होती है, कोई भी किसी भी इंसान में ब्यूटी ज़रूर होती है, तो आई थिंक इट्स इन योर सोल कम्प्लीटली। और सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती, इंसान का अच्छा होना बहुत ज़्यादा 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 ज़रूरी है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है। अब मैं क्या कहूँ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक अ लॉट आप सब बोल ही रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कुछ तो किया ही होगा। बट आई थिंक झरकरी को प्ले करते वक्त बहुत मज़ा आया, और जो उस अभी जो इतनी अच्छी अच्छी सारे रिव्यूज़ और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, 100 crores हो गए हमारी फिल्म के फाइनली, सो इट्स काइंड ऑफ आई एम फीलिंग हैप्पी, दैट्स इट। जी हाँ, आई थिंक आई डोंट नो कि मैं फर्स्ट हूँ या नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी डेब्यू फिल्म ने 100 crores किए, एंड इट्स कम्प्लीटली, यू नो, आई फील वेरी 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 हैप्पी अबाउट दिस। और बस बहुत जल्द सक्सेस पार्टी होने वाली है, तो आप सब लोग ज़रूर आइएगा। मैं तो रोज़ सक्सेस पार्टी मना रही हूँ, सो आई डोंट नो, मतलब वो तो हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता लाइफ चेंज हुई है, पर ऐसा लगता है कि बस काम की तरफ और सिंसियरिटी बढ़ गई है, कि और अच्छे से मेहनत करनी है, इतना लोगों ने प्यार दिया है, तो आई थिंक एक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। रेखा मैम, एब्सोल्युटली। आई थिंक काजोल, आई रियली लव हर, शी इज़ जस्ट नेचुरल। वॉट ऑफकोर्स, मतलब वो है ही है, वो तो वो रही है सुंदर, लेकिन काजोल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अपने जैसा फील करती हूँ। या मुझे आज भी याद है, मैं मणिकर्णिका शूट कर रही थी लास्ट ईयर, और ये न्यूज़ आई थी, एंड इट्स रियली सैड। आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, बट आई रियली होप कि उनकी फैमिली खुश रहे, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गोवा से आ रहा है।
सामने
क्या हो रहा है शमिता, क्या करना है? उन्होंने पहले वहाँ पे करने को बोला। I think somebody who's like really comfortable in their own skin and they're themselves, they're not following the notion, the typical notion of beauty ki अरे मैं ऐसी हूँ एंड अरे मैं वैसी हूँ। आई थिंक दैट इज व्हाट आई रियली फील। हैप्पीनेस इज ब्यूटीफुल। हाउ स्वीट, दिस इज सच अ नाइस थॉट। सो पटाखा के बाद हां जी दूसरा पटाखा आई थिंक 21st मार्च। मर्द को दर्द नहीं होता, सी मर्द को दर्द नहीं होता। इट्स अ 360 रोल रिवर्सल। शी इज डन अ किक एस जॉब। You have to wait and watch. She's it's a badass his girl. Film, it's his debut and he has done like a great, great job. So yeah. And we both have given money to each other. Just letting you know. Thank you. Yeah. I will wait for you. Ma'am, you're just She's with another PR agency. Thank you. Anil, just he अंदर का पीछे का लिफ्ट लेके he's gone home. Hi, hi. What's your definition? For me, my definition of beauty, I honestly feel what you are within, what you are in your heart, it comes onto your face and your eyes. And for me, the eyes are the mirror of one's soul. So you come to know how a person is immediately, and the beauty reflects outwardly if you are beautiful within. So for me, that's underline of beauty. My favorite beauty icon has always been my mom. She's a stunning woman and I follow exactly what she does, and she's stunning till date, and she's aged so gracefully and she looks wonderful, and I want to be like her. Thank you guys. Hi Sumit, how are you? Baki hai. Yes. Yes. That's why we decided we'll come here and then go for dinner. It's our anniversary, our 15 years, 15th anniversary. Memorable moments with him every day is fun, laughter, love. That's all I wanted. Thank you. Bye.
Well, like I've been telling everyone that these are moments where everyone should come forward and contribute, whatever it might be, big, small, little amount, anything, it goes a long way. And yes, I have taken over the responsibility of educating all the girl children. I'm not limiting it to the girl children. It was written like that somewhere, someone said so. But it's not the girl child, the children of the martyrs. And it's not only of the Pulwama attack, it's basically all our Jawan, all our Shahids, all our martyrs. So it's not only limited to the Pulwama. So it's a Pulwama attack. It is my foundation will take care of education and give out scholarships as well. See, honestly, पहले मैं इतनी सहमत नहीं थी बिकॉज आई यूज टू फील के पहले इतना वैल्यू नहीं होता था. हमने भी देखा है काफ़ी इंसिडेंट्स जो एक्टर्स यहाँ आए काम किया है लेकिन वापस वहाँ जाके अपने मुल्क में हिंदुस्तान को गालियाँ देते हैं, ये भी हमने सुना है होते हुए. बट एवरीबॉडी इज़ नॉट द सेम. उधर भी उतने ही इनोसेंट लोग हैं बियॉन्ड हु आर नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स, आप जैसे मेरे जैसे, हु आर नॉट इन टू द पॉलिटिक्स ऑफ इट ऑल. बट देर इज़ अ लिमिट to what even we can do. And right now cultural exchange seems impossible because until and unless they don't really clamp down on what we are wanting. Every kind of terrorist unfortunately is found in Pakistan, how come? Whereas they keep denying initially, but ultimately that's what happens. So it's a very sad thing. In fact, they should stand by us at this time and arrest those who are concerned, who are responsible for this horrible act. Yes, I do. Yes, I do. I definitely think so. This is not the time for cultural exchange because all of us at this feeling are feeling very, very hurt and upset. Absolutely. Guys, you know, my husband is inside and I want to... Short. You know, this is a very long answer because I've done three wonderful films with her and she was a friend of mine, very dear to me. So this is not something that I can just tell you in one line. Thank you so much. Hello, what's up? I think I always tell them, please be your own kind of beautiful. ये definitions के चक्कर में ना, we have kind of really set some insane standards of beauty. It's about just feel good about being who you are from inside, you will be beautiful. I think it's important to feel beautiful and you will automatically be beautiful. What is important is you should feel that you're beautiful. Most of the times we think that these are the standards of beauty and you have to reach that. It's not like that. मैंने अपने vanity में भी एक quotation लगाया, be your own kind of beautiful, and I really want everyone to follow that. हाँ, thank you. देखोगे ना picture मतलब. तुम बदला के वो उस पर प्रेस मीट में आके बात करना ना मुझसे, यहाँ पे बदला के लिए क्यों पूछ रहे हो, आप डिटेल में बदला की बात करती हो. आई हैव वंडरफुल मिस्टर इंडिया से लेके चालबाज, आई विल ऑलवेज रिमेंबर वन नेम दैट इज इररिप्लेसेबल. आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी स्पेस, एनीवन हु कैन फिल दैट स्पेस अप एवर. थैंक यू. और लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में देखो.
Hi. Hi, good evening, guys. I think both goes hand in hand, and if you have to be like the star or the diva, the beauty and style, it should go balance. Yeah. See, for me, I love Kareena Kapoor. I always follow her for her confidence, for the way she styles, for the way she wears her makeup, and yeah, she's like my style icon. I love Madhuri, I love Rekha ji, I love saris. So I really look up to them. I love, you know, whenever I see a woman in Kanjivaram and Gajra, my day, I mean, I feel like, wow, this is it. Yes. Yeah, yeah. She's my Chandni, and I still don't believe it's been a year. And the fact that, you know, everybody, it still feels that it's fresh. So, but hats off to Janvi. The way she's taking it off, I'm so, so proud of her. Thank you. Thank you so much, guys. Namaste. Adab. Thank you. Good evening. Hi, hi. Thank you, sir. हाँ जी बहुत ही खुश हूँ सर. अच्छा लगा, लोगों को काम अच्छा लगा जब कभी. और आप मीडिया वाले तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा से अच्छे थे, इंशाल्लाह हमेशा अच्छे रहेंगे. और हाँ ठीक है, ऐसे सब बोलते नहीं हैं लेकिन बस तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और उतना ही है. पिंक इज इजीली माय फेवरेट कलर, उतना तो मैं बोल दूंगी. गुलाबी रंग हमें बहुत पसंद है. फेवरेट स्टाइल आइकॉन बचपन से जो देखती आई हूँ, मैं अपनी दादी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. जी जी यस. I mean, I think I remember her like anybody in this country, which is just as the epitome of grace, the epitome of beauty. Unse umda kalakar mujhe nahi lagta hai humne kabhi bhi dekha hai. Aur bittersweet thing to say, lekin mujhe nahi lagta kabhi dekhenge bhi. Aur I am a die hard Sri Devi fan. Aur bas utna hi kahungi. Sir, is bare mein mujhe nahi lagta hum baat kar sakte hain. प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे नहीं करते हैं सबके सामने. अप्रूव्ड है, ठीक है. लेकिन हमें नहीं पता क्या कहना चाहिए. ओके ओके. So I don't mean to sound funny at all, but I think that my father is an extremely talented actor, and I'm extremely proud of his work. और मुझे लगता है कि जो भी किरदार वो निभाएंगे बखूबी निभाएंगे, और उतना भरोसा तो है उन पर. नहीं नहीं, वो फादर रह चुके हैं. मुझे याद है तारा रमपम के वक्त भी वो किसी के फादर थे. मुझे बहुत बुरा लगा था तभी, मुझे लगा था अरे ये तो मेरे फादर है, लेकिन सब चलता है फिल्मों में, इट्स ऑल गुड. नहीं सर, ये भी गलत अफवाह है. मैं मॉम के साथ रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, और बस इंशाल्लाह बहुत समय तक उनका ही दिमाग खाती रहूँगी. मैं हर जगह सामान लेके जाती हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you.
सत्या जी जल्दी आइए, ठीक है आ जाओ, लेकिन जा रहे happy, being positive is beauty. Yeah. I have three, DP, Kangana and Priyanka. Thank you. Hi, good evening. For me, beauty beauty comes in every style, every color, every way that you are. I think for me, the confidence of being yourself as who you are, first of all, finding that who you are and accepting that who you are is the real meaning of beauty for me. Jennifer Lopez, I think I really, really like her a lot. Jennifer Lawrence also. Yeah, used to be. Thank you. Come. Where is she? Sumit ji. You doing something?
Karan. Okay, all right. No problem. Yes. Hello. Good evening. Mm-hmm. Being yourself. Oh, I think I was always in love with Sridevi ji, late Sridevi ji. So she will always be my style icon. Well, I presented best men grooming product, best men moisturizer. So, ye products jo the maine present kiye awards, and yeah, that's about it. I mean, under acha khasa award function chal raha hai, to bahut sare brands hai jinko awards mil rahe hai under. I mean, there's nobody who can beat Rekha ji. Rekha ji, yeah. Ji, inka sawal tha style icon. Aapka sawal hai beauty. To Rekha ji. Ji. I mean, उनकी जो कमी है वो definitely महसूस होती है because specially award functions पे श्री जी हमको मिलती थी, हम उनको देख पाते थे, उनसे interact कर पाते थे, so वो नहीं हो पा रहा है. So more than that, I think ये सवाल जो है वो आपको जानवी को पूछना चाहिए because she'll be a better person to answer. जुदाई. जुदाई है, चालबाज है. हाँ हाँ जी, या आई एग्री विथ यू डेफिनेटली. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Right side, right side, right side, right side, right side.
Thank you. Okay. Hi. Good evening. Good evening. Real meaning of beauty. Well, for me, I think it has always been someone who can carry themselves off with confidence, whether you are wearing pajamas, jeans, or a sari. For me, it's confidence is everything. My favorite beauty icon throughout the times, I think, is Marilyn Monroe. I will never forget what she wore back then. But if it is today, then I think amongst the new lot, Sara Ali Khan has great style, especially because she wears Indian with such aplomb. I was just asking her if she's worn a sari and she's like, never. Thank you so much. इधर आ जाओ ना Thank you.
On the way back is better. Let's do it. This is my first time at Femina Beauty Awards, so I loved it, and I'm glad I'm here tonight celebrating this wonderful evening with you all. Well, beauty business mein jo jo involved hai unko award kiya ja raha hai, and I think it's such a unique thing because pehle aise awards nahi hote the, and beauty products are so important, and unko hum credit de rahe. I think this is a wonderful thing that Femina is doing. आप सब लोगों को थैंक यू. थैंक यू सो मच. हाँ या वेल शूटिंग अभी चल रही है, फिर शायद वेरी जल्दी रिलीज हो जाएगी फिल्म. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोडक्शन टू अनाउंस द रिलीज डेट, बट शूटिंग तो काफ़ी हो चुकी है और थोड़ी बैलेंस भी है. बहुत ही अच्छा रहा. वेल, मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म है तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. साउथ में फिल्में की हैं मैंने ऑलमोस्ट 20, मगर हमेशा बचपन से बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहती थी, तो फाइनली यू नो मेरे लिए एक इट्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड टू मी, एंड या आई एम हैप्पी टू बी हियर. माय मॉम, माय मदर, आई वुड से माय मदर इज़ लाइक द मोस्ट आइकॉनिक ब्यूटी, बिकॉज I think anything or anybody in front of her, like she is the most beautiful woman in my life. Yeah, and also Shridevi ma'am and Audrey Hepburn, I would like to say. Yeah, first female superstar hum log lagbhag unki pehli nitithi par hai, one year of demise. Kaise yaad rakhenge aap, any memory or देखिए, मैं एक्ट्रेस बनी हूँ क्योंकि मैंने उन्हें स्क्रीन पे देख के उन्होंने मुझे सिखाया है सपने देखना, एंड शी इज़ माय रोल मॉडल, माय गॉडेस. मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, एंड दे कैन नेवर बी एनीबडी लाइक हर. और इतना मैं फील क्लोज करती हूँ उनके साथ, हालांकि मैं उनसे सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, साथ में एक पिक्चर लिया है, मगर मैं आई थिंक शी इज़ द मोस्ट अमेजिंग एक्ट्रेस. या मैंने काम नहीं किया, मैं उनसे मिली थी और उनके साथ एक फ़ोटोग्राफ ली है मैंने, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल
है और ये मैं दुबई में मिली थी उनके साथ सेम डेट जो दिन उनकी देहांत हो गई उनकी, तो वो 5 साल पहले सेम डेट पे मैं फेब्रुअरी में मिली थी दुबई में. सो आई जस्ट लव हर एंड आई मिस हर वेरी वेरी मच. बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन मुझे लगी और बहुत ही अकोमोडेटिंग. जैसे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम आई वुड लव टू टेक अ पिक्चर विथ यू, तो और मैं मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ देख के आई मीन यू नो मुझे एक एक्ट्रेस बनने की इच्छा मेरे में आई है. तो आई थिंक शी इज़ द क्रेडिट गोज़ टू हर. इफ़ आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस इज़ बिकॉज ऑफ श्रीदेवी मैम. बिकॉज आई मीन शी इज़ इररिप्लेसेबल. या Definitely, मैं दूंगी. Definitely. Thank you, guys. Namaste. Last year. Well, we are here to celebrate beauty, and I am just hoping that it's a beautiful night ahead. Beauty. Well, beauty is not about just what is seen outside. I think if a person is not beautiful on the inside, then I think the outer beauty doesn't really matter. Okay, your favorite beauty icon? Kareena Kapoor Khan. He just asked me that. I think Rekha ji. वेल श्रीदेवी जी के बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आता है. आई नो फॉर अ फैक्ट आई रिमेंबर जब मैं बड़ी हो रही थी मेरी मम्मी जो थी वो श्रीदेवी जी की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन थी. उस टाइम वो उनकी टाइम की हैं. तो आई रिमेंबर माई मदर यूज़ टू ट्राई ड्रेसिंग अप लाइक श्रीदेवी जी, वो जो जॉर्जेट साड़ियाँ और वो सारी जो उन्होंने वो चांदनी टाइम. सो या आई थिंक आई हैव हैड अ श्रीदेवी जी फैन इन माई हाउस. सो वॉट मोर कैन आई से आई हैव मेट हर. मैंने उनको ओकेजनली ही मतलब ऐसे ओकेजन्स पे ही मिले हैं. तो ऐसे पर्सनली आई डिड नॉट रियली गेट अ चांस टू मीट हर. चालबाज, मिस्टर इंडिया, बहुत सारी है. लम्हे, देर आर सो मेनी. आई कॉन्ट रियली नेम वन श्रीदेवी फेवरेट फिल्म. आई कैन नॉट. ऑफकोर्स यस क्योंकि ऑफकोर्स आई मीन उनकी जर्नी जो थी वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अर्ली एज से शुरू हुई थी. एंड ऑफकोर्स शी
आई रिमेंबर, मुझे पता है स्टोरीज़ के भाई उनकी डेट्स पहले ली जाती थी और फिर बाद में हीरोज़ सिलेक्ट हुए जाते थे, जबकि उस टाइम पे ये दूसरी कोई एक्ट्रेसेस को आई डोंट थिंक ये प्रिविलेज होता था, तो ऑफकोर्स शी इज़ द सुपर स्टार. थैंक यू. Yeah.